अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ए, चलो निकलो यहाँ से। मैडम जी बस मारे को 5 मिनट बनासा से मिलने दीजिए, बस 5 मिनट। बोला ना नहीं मिल सकती, साहब ने मना किया है और ये पुलिस थाना है, कोई होटल नहीं कि जब मन किया चले आए मुंह उठाकर। कैदियों से मिलने का समय होता है जो कि निकल चुका है, चलो अभी निकलो यहाँ से। मैडम जी देखिए आज मकर संक्रांति है, त्योहार का दिन है, मारे को ये तिलगुड़ लेकर आए थे बनासा के लिए, बस मारे को मुंह मीठा कराने दीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मारे घर की सारी खुशियां रौनक ये सब बनासा के साथ चला गया। सुबह से मारे पीछे भाग रहे थे ये खाने के लिए, मारे को उनका मुंह मीठा करा दे दीजिए, बस 5 मिनट की मोहलत दे दीजिए। पति को परमेश्वर समझती हो, गलती नहीं दिखाई देती उसकी? अपनी आंखों से ये भरोसे की पट्टी निकालो, एक बेचारी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है तुम्हारे पति ने और तुम उसका साथ दे रही हो, चलो निकलो यहाँ से। हम साथ दे रहे क्योंकि मारे को हमारे पति पर पूरा विश्वास है, चीखता झूठ है, सच्चाई ना खामोश हो गया, लेकिन उसकी खामोशी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि जिस दिन सच का डंका बजेगा ना उस दिन झूठ की आवाज खामोश हो जाएगी। कानून तो समाज की रक्षा करता है, फैसला नहीं सुनाता, और कल जब हमारे बनासा रिहा हो जाएंगे ना तो उनके माथे पे जितने लगे कलंक है वो सब मिट जाएंगे, क्योंकि कल हम अदालत में सबके सामने वो सबूत पेश करने वाले हैं। अच्छा तो तुम एक काम करो, कल जब तुम्हारे बनासा बाइज्जत बरी हो जाएंगे ना तब जाकर उनका मुंह मीठा करना इस तिलगुड़ से। अभी निकलो। मैडम जी बस 5 मिनट मिलने दीजिए। बहुत हो गया तेरा नाटक, निकल यहाँ से। मैडम जी मेरी बात सुनिए। सुनना मुझे, बोला ना सुनाई नहीं देता। सुनीता ये बर्फ वाला आज फिर यहाँ बर्फ छोड़ गया है, लगता है हम दोनों को ही रखनी पड़ेगी कमरे में। मैडम जी हम कर देते हैं, ये जहाँ पे भी रखनी है ना हम उसे रख देंगे, लेकिन बदले में हमारे को बस 5 मिनट बनासा को मिलने दीजिएगा। ठीक है पर ये काम इतना आसान नहीं है, हाथ ठंडे पड़ जाएंगे तेरे। आप उसकी चिंता ना करो, अपने बनासा को मिलने के लिए ये तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी कीमत है। हम अभी करते हैं। लेकिन हम इस जन्म में आदिनाथ को जीतने नहीं देंगे, हमसे कुछ भी करके वो पेन ड्राइव हमें लेनी पड़ेगी। तुम करो, तुम कुछ भी करो, लेकिन हमें वो पेन ड्राइव किसी भी कीमत पे चाहिए। मारे को माफ कर तुझे जी, लेकिन मैं थारी कोई मदद ना कर पाऊंगा। पिछले मायाजाल को बनाने में हमारी सारी ताकत लग गई थी, लेकिन हमने अब दोबारा मायाजाल गड़ा तो हमारी जान भी जा सकती है। जान जाती है तो जाए, अभी तक तुम जिंदा हमारी जीत के लिए तो हो। जी जी वो छोरी जरूर हारेगी, ये थारे इस भाई का वादा है, वो सबूत थारे पास लाने की जिम्मेदारी हमारी है। कैसे लाओगे वो पेन ड्राइव? मैं ना लाऊंगा, आप लाओगे जीजी। हम कैसे? अब समय आ गया है थारी काली शक्तियों को जगाने का। पिछले जन्म में थारे गले में तंत्र मंत्र से बना एक हीरा हुआ करता था, उसी हीरे में थारी सारी काली शक्तियां छुपी हैं। वो थारी यानी कि सोगना जीजी की लाश के साथ दफन है, उसे दोबारा हासिल करने का बस एक ही रास्ता है, मारे को वो कब्र खोदनी होगी। कहां पर दफन है सगुना का कंकाल? उस हवेली के आंगन में काली माँ की मूर्ति के सामने थारी कंकाल है। क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, निकल गई सारी हीरोगिरी? चल अब घर जा। हम इतनी आसानी से कहीं नहीं जाएंगे, अगर सावित्री ने इतनी आसानी से मुश्किलों के आगे अपने घुटने टेक दिए होते ना तो वो अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से कभी नहीं बचा पाती।
आज मारी बारी है। आर्य को अपने बन्नासा की हिम्मत बनना होगा। जब तक हम अपने बन्नासा का मुंह मीठा नहीं कराते ना, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। चल ठीक है, कर। हम इसे कैसे लेके जाए? क्या हुआ विधि, रुक क्यों गई? तिल गुड़ के लड्डू खाने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं हम? अरे इधर उधर क्या देख रही हो, तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं हम। जो लड़की शेर से लड़ सकती है, हाथ गाड़ी पे हमें बिठा के हॉस्पिटल ले जा सकती है, उसके लिए ये बर्फ की सिल्ली उठाना कौन सी मुश्किल बात है? चलो अब दिखाओ सबको कि क्या चीज हो तुम। उठाओ ये बर्फ की सिल्ली और अपने कदम आगे बढ़ाओ। अपनी आंखें बंद करो विधि और याद करो वो सब पल जो हमने साथ बिताए, वो सब लम्हे जो हम दोनों को नजदीक लेकर आए। उन लम्हों के लिए विधि अपने कदम आगे बढ़ाओ, हमारे पास आओ विधि। जय अंबे मां, जय अंबे मां। मैडम जी देखिए, हमने जैसे आपको वादा किया था हमने काम कर दिया, बस मारे को 5 मिनट बन्नासा से मिलने दीजिए। ठीक है, 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। जी ये सब क्या कर रही हो विधि, इतनी तकलीफ हो भी सिर्फ हमसे 5 मिनट मिलने के लिए? ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था विधि। तुम समझती क्यों नहीं हमारी बात को, तुम खुद को क्यों इतना परेशान कर रही हो? बन्नासा, हम सब समझते हैं आपकी चुप्पी, आपका दुख। देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए, तिल गुड़ के लड्डू। अजय हम
आपको अपने हाथ से खिलाएंगे। इतना भड़काया है उसने दादा साहब को मम्मी साहब के खिलाफ कि आज हवेली की तिजोरी की चाबियों पर विधि का कब्जा है। बन्ना सा, क्या हुआ, खाइए ना। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए विधि, हमें नहीं खाना ये तिलगुड़ के लड्डू और हमें तुम्हारे हाथ का बना कुछ भी नहीं खाना है, चले जाओ यहाँ से। लेकिन बन्ना सा। इंस्पेक्टर मैडम, इन्हें ले जाइए यहाँ से, हमें किसी से नहीं मिलना। बन्ना साहब आपको हमें नहीं मिलना तुमसे, हमें तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। भाभी साहब ये क्या, आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। जिस माँ का बेटा सलाखों के पीछे हो और उसे ये भी ना पता हो कि उसके बेटे ने कुछ खाया या नहीं, उसके गले से कुछ कैसे उतरेगा। भाभी साहब अबीर बिल्कुल ठीक है, विधि गई है पुलिस स्टेशन उसे तिलगुड़ खिलाने के लिए। जब जीत का मौका हो तो मुंह मीठा कराना तो बनता ही है ना। कैसी जीत? ये देखिए। ये क्या है? अबीर की बेगुनाही का सबूत। इस पेन ड्राइव में दिव्या के घर के अंदर का सच्चा फुटेज है, इसे देखकर सबको यकीन हो जाएगा कि अबीर ने कुछ नहीं किया है, वो बिल्कुल निर्दोष है। सच दिखाई दिखाई हमें। सच को अरसा, इसमें अबीर की बेगुनाही का सबूत है। इसका मतलब अबीर अब रिहा हो जाएंगे। हम जानते थे, त्रिशाला ने वादा किया था हमसे कि वो कुछ भी करके अबीर की बेगुनाही का सबूत ले आएंगे। देखिए उन्होंने अपना किया वादा पूरा किया। एक मिनट भाभी साहब, इसमें त्रिशाला का कोई हाथ नहीं है, ये सब तो विधि ने किया है। विधि ने? हाँ विधि ने, उसने बहुत ही सूझबूझ से सबूत को हासिल किया है। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे नीचा दिखाने की। अनपढ़ गवार न जाने क्या क्या कहा था उसे, लेकिन उन्होंने आपके तीखे शब्दों की जरा भी परवाह नहीं की। पागलों की तरह अबीर की बेगुनाही का सबूत ढूंढती रही। और ये देखिए, आज उन्हीं की वजह से तोमर परिवार का सर फिर से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले का मान रखने के लिए तो खा लीजिए। मान सम्मान की बातें तुम ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा विधि। तुम्हारी माँ हुकुम की इतनी इज्जत गिरा के उनको इतने बेइज्जत करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमसे मिलने आने के लिए। बन्ना सा ये अब इतनी भोली भी मत बनो विधि। हम हवेली से दूर है यहाँ जेल में, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी नहीं पता है। त्रिशाला आके हमें सब कुछ बता के गई है, वरना हम कभी जाने नहीं पाते कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है। एक ही दिन में तुम्हारे सारे तेवर बदल गए, कैसे कर सकती हो तुम ये सब? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई सब करते हुए? बनी सा ने कहा तो आपने मान ली, एक बार मारे से भी ना पूछा और सीधा फरमान दे दिया। बन्ना सा अगर मारे को तेवर दिखाने होते ना तो हम यहाँ आके आपसे मिलने की भीख नहीं मांग रहे होते, आपके आलीशान हवेली में बैठकर राज कर रहे होते। रही बात उन चाबियों की, तो वो चाबियां देने का फैसला दादू साहब का था। हमने उन्हें लाख बार मना किया लेकिन वो नहीं माने, और अब जानते ही हैं कि दादू साहब की कोई भी बात हो हम उसे मना नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए, हम उनका दिल कैसे तोड़ सकते थे? उनका दिल कैसे तोड़ते? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारी बात पे विश्वास करें कि त्रिशाला की बात पे विश्वास करें। हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी विधि कि तुम कभी ऐसा कर सकती हो। दादो साह की खुशी के लिए लेकिन तुमने माँ हुकुम का दिल तोड़ दिया। तुमने कितना साथ दिया तुम्हारा, हर एक जगह पे तुम्हें सपोर्ट किया, इस जबरदस्ती की शादी में तुम्हें हमारी पत्नी होने का दर्जा दिलाया, अपने इकलौते बेटे से भी लड़ पड़ी थी वो। इसीलिए कह रहे हैं तुम्हें, माँ हुकुम गुरूर है तोमर खानदान का और उन हवेली की चाबियों का, और उनका पूरा हक बनता है सिर्फ उस पर। अब सही कह रहे हैं बन्ना सा, हवेली पर और उन चाबियों पर सिर्फ डॉक्टर हुकुम का हक है। हम दादू साहब से बात करेंगे और डॉक्टर हुकुम को फिर से वो चाबियां दिलवा कर रहेंगे। आपकी माँ हुकुम हमारी भी माई जैसी ही है।
चलिए लीजिए, अब आप ये लड्डू खा लीजिए। सिर्फ 5 मिनट की मोहलत लेकर आए हैं हम, लीजिए। नहीं, हमें नहीं खाना ये सब, और तुम्हारे हाथ का बना तो कुछ भी नहीं खाना चाहेंगे। इंस्पेक्टर, इन्हें प्लीज ले जाइए यहाँ से। ये क्या बचपन है भरी? ये सब कर, हमारे हाथ खोलो। नहीं, हमने कहा ना पहले आप ये लड्डू खाइए फिर हम खोल देंगे। और ये सब क्या बचपन है? ये सब कब किया तुमने? और ये सब करने की क्या जरूरत है? हमें पता भी नहीं चला, हमें दिखा, हमारे हाथ खोलो। हमें पता था, हमें पता था कि आप खाने में नाटक जरूर करेंगे, इसलिए जब आप हमारे पर भूकंप सा बन के बरस रहे थे ना, तब हमने आपके हाथ बांध दिए। अब हम तब तक आपके हाथ ना खोलेंगे जब तक आपके लड्डू ये लड्डू नहीं खा लेते। चलिए खाइए। अच्छा, पागल समझ के रखा है हमें? तुम जो कहोगे हम तुम्हारी बात मानेंगे, अटाओ हमें नहीं खाना। बाबा हुकुम, आपको पता है ये सब करना कितना मुश्किल था? दिव्या और उसकी माँ के नाक के नीचे से विधि ने ये सबूत हासिल किया है। कल जब कोर्ट में सबके सामने दिव्या का झूठ सामने आ जाएगा ना, तब हमें उस इंसान का भी पता चल जाएगा जिसने हमारे अबीर को इस संगीन इल्जाम में फंसाया है। हम त्रिशाला को ये पेन ड्राइव दे देते, कल लॉयर के साथ उसकी मीटिंग है, और कल जब कोर्ट में ये पेश किया जाएगा उसके बाद हमारा बेटा बेगुनाह साबित होकर रिहा कर दिया जाएगा। और रही बात दिव्या और उसकी माँ की, उन्हें तो हम देख लेंगे। त्रिशाला फोन क्यों नहीं उठाती? कहाँ रह जाती है ये? कभी कभी लगता है कि हम ही भगवान हैं। देखो सबके सामने हैं लेकिन कोई हमें देख ही नहीं पा रहा। मम्मी सा कितना प्यार करती हैं आप हमसे, इसलिए हमारा फर्ज तो बनता ही है ना कि हम भी आपका ख्याल रखें। इतने दिन हो गए कोई चैन की नींद नहीं सोया, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम सबको चैन की नींद सुलाएंगे। करना हुकुम सा, हमारे से गलती हो गई, अभी साफ कर देते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ऊपर अपने कमरे में जा रहे हैं। अब भाभी साहब, ये पेन ड्राइव हम अच्छी तरह से जानते हैं कुंवर साहब, ये कितनी जरूरी चीज है, इसलिए हम किसी को देने का रिस्क नहीं ले रहे, इसे हम अपने पास ही रखेंगे।
जी वाह, मान गया थारे को। जन्म चाहे दूसरा हो लेकिन थारा अंदाज बिल्कुल वही है। अब क्या करें, बेहोश तो करना ही था ना, ये तो हमारा काम कैसे बनता। इसीलिए दूध में थोड़ी ज्यादा नींद की गोलियां डाल दी ताकि ये लोग पूरी रात घोड़े बेच के सोते रहें और हमारा काम बन जाए। लेकिन जीजी, सबको बेहोश कर दिया आपने सिवाय उस करुणा के। उस पर इतनी मेहरबानी की बजाय थोड़ा सब्र रखो पारस, एक बार हमारे हाथ में वो ताबीज लग जाए और हमारा काला जादू काम कर जाए तो इस सवाल का जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा।